मैं अभी स्कूल जाऊंगा सारे स्कूल डबल नहीं होना चाहिए कोई ये डबल है ये भी डबल है निकाल बस सारे का तुम पीछे थे तीन तीन है उठ गए लग गया वो दिखा फिर तू उधर से खींच भाई किट से खींच छोड़ दे पहले मैं ही सिखाऊं अरे देखो बच्चा पार्टी कितना काम करती है पापा इनमें ये आ सकते हैं कम कट से निकालने पड़ेंगे अरे इसको ऐसे करते ना बुद्धू हाथों से दबा दे कम कर निकाल इसके अंदर देखना बेटे कब दे जाए पीछे खोल ले सारे तो बैठे अभी भी हमारे पास ज्यादा है दिखाओ बीस दिखाओ कितने हैं तीन तीन डालेंगे इसमें दो ऐसे देखो एक में दो दो भी लगा सकते हैं हाँ है ना अब की बार एक में दो दो शिफ्ट कर दो उस वाले बड़े वाले इसी में शिफ्ट कर दियो सारे वो वाले गिनती नहीं सकते रेड वाले के एक रुको बेटा लगा लो पहले सारे फ्रिज में रख दियो सारे टोकरी खाली हो जाएगी ना वो टोकरी लगाओ पहले कौन सी टोकरी पहले रख लो लगा लो ये लगा दो फिर वो उठा उठा के इसमें रखना ही है फिर तो नींद में दो दो लगा दियो दो दो लगाने तो छह साइड वाले निकाल सारे अपने कितने निकालने एक में तीन तो तीन तो छह मुझे मैं दूंगा काले काले निकालने पापा या फिर लिंफ जैसे कॉकरोच के बच्चे जैसे कॉकरोच के बच्चे आए नहीं हमारे साइंस की नोटबुक में था ऐसा सब नो है तीन दो लगाने तो चार दो ना दो दो दे दो तो चार एक में तीन लगाओ तीन एक में लगाने तीन बताएंगे पापा एक में तीन पापा ये साइड नीचे दबे अरे ये वाली साइड नीचे दबे एक सीधा दबाना एक टेढ़ा दबाना ठीक एक ऐसे एक टेढ़ा कितने बाल कटे हैं भाई सिर पे आए बाऊ बाऊ देखे हो गए आप कैसे करोगे चुचु तो ऐसे अच्छा करी अच्छा तो गुद्दे तो नहीं बड़ी बड़ी एक में तो इस साइड से एक तो सीधा लंबा बड़े वाला कट अब एक ऐसे पहले इससे करेंगे सीधा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों साइड सेम ही तो है सेम नहीं है एक तो इस तरह लगाना लंबा ये देख बीच में ऐसे लगे एक ऐसे लगाना एक ऐसे लगा और एक ऐसे ठीक दोस्तों ये अमलतास के पौधे के बीज है जो कि
आप अमरतास के पौधे पर है, बहुत सुंदर फ्लावर का पौधा है, येलो फ्लावर होते हैं। वैसे इसका यार आयुर्वेदिक यूज भी है, बीज भी बहुत इसके साफ सुथरे निकल जाते हैं, बस थोड़ा हाँ अपने से भी 20-25 बीज फल से मिल जाते हैं। यह पौधा भी आप लगा सकते हो और बहुत यूजफुल है। इसका फ्लावर भी आपको गर्मियों में बहुत सुंदर फ्लावर देता है, जो कि 15 से 25 महीने तक खिला रहता है, यानी पूरे महीने आपका अलग ही लुक देगा आप वातावरण में। तो इसको भी आप अपने पौधा रोपण के लिए लगा सकते हो। ये बीज खरीद में कलेक्ट हो जाते हैं, ये बीज आप देख भी लो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मैंने कलेक्ट कर लिया है। इनको भी मैंने कुल मिलाकर 50 उगाए हैं, ताकि बीज से पौधा बढ़ जाए और बारिशों में हम उसको प्लांटेशन जहाँ भी करना हो वहाँ कर सकें। तो ये बीज आपको कैसे लगे टिप्पणी अपने जरूर देना, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूले। और ये बीज इसके येलो है, और इस पौधे का भी काफ़ी यूज है, काफ़ी बीमारियों में इसके फूलों का भी यूज किया जाता है, और ये फल भी यूज कर सकते हैं। रूट का भी बहुत ही पावरफुल पौधा है और सुंदर। आप दोनों पौधे लगाओ जो मैंने लास्ट में गुलमोहर का दिखा दिए, आपका वातावरण और नेचर खुशबू से प्रदान करना, ऐसा रंग बिरंगा बना देगा जो बहुत सुंदर होगा। और ये फ्री में तैयार हो जाते हैं। ये देखो एक फली से हमें कितने बीज प्राप्त हो चुके हैं, जिसके पोर्ट में मैंने लगाने हैं दिखा दिया। इन बीजों को स्पेशल मिट्टी सोल में नहीं लगा सकते, लेकिन ये पौधे आप हमेशा अपने आसपास लगाओगे तो नेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण तो है, हीट वे से बचाएगा, प्लस आपके मन को बड़ा शांत और सुकून देने वाला पौधे हैं। और ये कैसे आप भी ऐसे लगा सकते हैं, ये वीडियो और लोगों को शेयर करना मत भूले, ताकि और लोगों को भी ऐसे पौधे फ्री में तैयार कर सके, अपने आस पास लगा सके। मुझे कैसे लगाना है? दूसरा जगह अरे डू की तू फिन के पास ये दो नहीं लगा, डू को बुला लो अपने पास। इसमें दबा दे, दबा दे ऐसे, ठीक। दूसरा भी लगा, दूसरा भी लगा, चलो 3 बज जाएंगे फिर। हां चल फिर तू लगा। इसमें लगा गले में, चल लगा एक और लगा। चल चलो भाई।